नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह जीएलसी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली ये बात करने वाले हैं आज हम। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे पूरे रॉक सिस्टम की बात करते हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल से रिलेटेड बात करते हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हो। आज हम बात करेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारे क्वेश्चंस को। दोस्तों जो भी हमारी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रही है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो कि प्ले स्टोर पर जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी के नाम से अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, और हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है, टेस्ट सीरीज भी आपको इसी ऐप पर प्रोवाइड की जाएगी जो जहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी जहाँ पर आप प्रॉपर टेस्ट अपने 2021 की प्री के लिए दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं आज की सीरीज का। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ, मतलब जो जियोलॉजिकल एरिया है या फिर जियोलॉजिकल टर्म्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश किसका पार्ट है। ऑप्शन ए इज विंध्यन रॉक, ऑप्शन बी इज गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी इज डेक्कन ट्रेप एंड ऑप्शन डी इज अंगारा लैंड और लोरेशिया, जिसको क्या बोला जाता है लोरेशिया। तो उसको सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश किसका पार्ट रहा है शुरू से ही, तो गोंडवाना लैंड का मध्य प्रदेश क्या रहा है, पार्ट रहा है। दोस्तों सबसे बात करें हम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या है हमारा, गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा क्या, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों मध्य प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड, किसका पार्ट है हमारे, ओल्डेस्ट गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, इन दैट बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, जियोलॉजिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। मेनली हम देखते थे जो गोंडवाना है वो किससे रिलेटेड है, तो गोंडवाना जो एंशियंट किंगडम था हमारा कौन सा, गोंड जनजाति, गोंड जो था वो एंशियंट किंगडम, उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, गोंडवाना रखा गया। और ये कहाँ था, नर्मदा रिवर के किनारे था। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आई, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिनरल्स इज ऑप्टेंड बाय चिल्पी सीरीज इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स ऑफ धारवार रॉक सिस्टम इन मध्य प्रदेश। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिनरल हमारा चिल्पी सीरीज जो है उसमें पाया जाता है, वो किसका पार्ट है, धारवार रॉक सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए इज बॉक्साइट, ऑप्शन बी इज डायमंड, ऑप्शन सी इज मैग्नीज एंड ऑप्शन डी इज रॉक फॉस्फेट। तो दोस्तों चिल्पी सीरीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है चिल्पी सीरीज जो है हमारी, इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीज। क्या पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीज पाया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। चिल्पी सीरीज सिक्वेंस जो है वो धारवाड रॉक सिक्वेंस का एक भाग है। क्या है दोस्तों, धारवाड रॉक सिस्टम का एक चिल्पी सिक्वेंस क्या है, उसका एक पार्ट है, जो कहाँ पाया जाता है, मेनली बालाघाट एंड छिंदवाड़ा वाले एरिया में पाया जाता है। और यहाँ पर मेनली क्या पाया जाता है, मैग्नीज क्वार्ट्जाइट या फिर कॉपर पायरेट, ये मिनरल्स यहाँ पर मेनली पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आई ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज द मलाजखंड रीफ लोकेटेड, मलाजखंड इज फेमस फॉर कॉपर, किसके लिए फेमस है दोस्तों, जो मलाजखंड माइन है वो फेमस फॉर कॉपर। तो यही पूछ रहा है कि मलाजखंड जो रीफ है हमारे मध्य प्रदेश में वो किसके लिए फेमस है, तो कहाँ पर है वो, तो ऑप्शन ए इज छिंदवाड़ा, ऑप्शन बी इज सिवनी, ऑप्शन सी इज बालाघाट एंड ऑप्शन डी इज बैतूल। दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, ऑप्शन सी क्या था दोस्तों, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो जो हमारा मलाजखंड रीफ है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और किसके लिए फेमस है ये, कॉपर के लिए, किसके लिए फेमस है दोस्तों, कॉपर के लिए, हाईएस्ट रीफ है, सबसे ज्यादा कॉपर यही मलाजखंड रीफ में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आई, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द अर्थ अर्लीएस्ट रॉक इन मध्य प्रदेश, मतलब अर्थ की जो सबसे पहली रॉक, जो सबसे पहले आई थी, बनी थी रॉक, वो कौन सी है हमारे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज धारवार ग्रुप, ऑप्शन बी इज प्री पैलियोजोइक इरा, ऑप्शन
सी इज आर्यन ग्रुप एंड ऑप्शन डी इज पुराना रॉक सिस्टम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा क्या, कहाँ पर थे, प्री पेलियोजेरिक इरा में। तो जो अर्थ की हमारी सबसे पहली रॉक थी वो कौन सी थी, प्री पेलियोजेरिक इरा में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, द रॉक्स ऑफ द प्री पेलियोजेरिक आर्कियन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियन रॉक्स। आर्कियन आर द फर्स्ट हार्ड रॉक ऑफ द अर्थ, क्या थी ये हमारे फर्स्ट अर्थ की हार्ड मतलब कठोर एक क्या थी, रॉक थी। दिस आर कंप्लीटली डिवॉइड फॉसिल, किससे बनी हुई ये, कंप्लीटली फॉसिल से बनी, क्योंकि इस टाइम पर हमारे यहाँ क्या नहीं थी, अर्थ डिड नॉट डेवलप एट दैट टाइम, ना पर यहाँ पृथ्वी नहीं थी, लाइफ नहीं थी यहाँ पर, दैट्स वाई ये किससे बनी हुई है, पूरी फॉसिल से बनी है। इन मध्य प्रदेश रॉक ऑफ दिस इरा आर फाउंड इन बुंदेलखंड रीजन, जो हमारे मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वहां पर कौन सी रॉक पाई जाती है, प्री पेलियोजोइक इरा। ठीक है दोस्तों, चलिए और किसका पार्ट है ये, बुंदेलखंड जेनेसिस का पार्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच हिस्टोरिकल बिल्डिंग हैज बिन कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंड स्टोन ऑफ विंध्यन रॉक इन मध्य प्रदेश। जो विंध्यन रॉक से जो हमें रेड सैंड स्टोन की प्राप्ति होती है उससे हमारी कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है, ऑप्शंस में देखते हैं, नचना कुठार टेम्पल, भोजपुर शिवलिंग टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल या फिर सांची स्तूप। तो दोस्तों यहाँ के ऑप्शन से हम देख रहे हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो सांची का जो स्तूप बना है वो हमारा किससे बना है, रेड स्टोन से बना है, जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, विंध्यन रॉक से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। जो सांची स्तूप है वो कहाँ पर है हमारे, रायसेन में दोस्तों, कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। और बरहुत स्तूप है जो वो भी किससे बना है, रेड सैंड स्टोन से बना है, जो कि कहाँ पर है, सतना में। और बात करें हम ग्वालियर फोर्ट की, इट इज ऑल्सो इन कंस्ट्रक्टेड बाय रेड सैंड स्टोन, और कहाँ पर है ये, ग्वालियर में है। तो ये किस में पाई, किससे पाई जाती है, तो विंध्यन ऑर्डर की जो विंध्यन रॉक से वहां से हमें क्या पाया जाता है, रेड सैंड स्टोन। और इससे कौन कौन सी बिल्डिंग बनी है हमारे मध्य प्रदेश, एक तो सांची स्तूप, दूसरा क्या बना है हमारा बरहुत स्तूप जो कि कहाँ है, सतना में। और हम बात करें ग्वालियर फोर्ट की, इट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय रेड सैंड स्टोन, जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है, विंध्यन रॉक सिस्टम से प्राप्त होता है। और यहाँ पर क्या और मिलता है, क्या जो विंध्यन रॉक है वो किस किस के लिए, ऑर्नामेंटल स्टोन्स, प्रीशियस जेम्स एंड लाइमस्टोन और रेड सैंड स्टोन के लिए भी फेमस है। यहाँ पर ये विंध्यन रॉक्स में ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलती है। ठीक है दोस्तों, प्रीशियस जेम्स की बात करें तो आपको पता ही है जेम्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक ऑफ विंध्यन सिस्टम आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, विंध्यन रॉक सिस्टम जो है उसमें कितने प्रकार की रॉक्स हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 5। दोस्तों दो प्रकार की विंध्यन रॉक सिस्टम में हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एक अपर विंध्यन रॉक सिस्टम एक लोअर विंध्यन रॉक सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार के विंध्यन रॉक सिस्टम के ऑर्डर पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन मध्य प्रदेश विंध्यन रॉक सिस्टम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लोअर विंध्यन सीरीज, किसके फॉर्म में पाई जाती है, लोअर विंध्यन सीरीज एंड अपर विंध्यन सीरीज रॉक, इन दो फॉर्म में हमारे मध्य प्रदेश में क्या पाई जाती है, विंध्यन रॉक सिस्टम पाई जाती है। इसका एक्सपांशन कहाँ कहाँ है हमारे यहाँ, पूरे नॉर्थ, जो लोअर है उसका एक्सपांशन है हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, जो लोअर विंध्यन सीरीज है उसका, और जो है हमारी अपर विंध्यन ऑर्डर की जो सीरीज है उसका एक्सपांशन कहाँ है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश या फिर सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट अदर नेम इज महादेव सीरीज नोन एज द रॉक ऑफ
अपर गोंडवाना सिक्वेंस इन मध्य प्रदेश, मतलब जो अपर गोंडवाना सिक्वेंस है उसके महादेव सीरीज है उसको किस और अलग नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इज जबलपुर सीरीज, ऑप्शन बी इज देवारी सीरीज, ऑप्शन सी इज तालेचर सीरीज एंड ऑप्शन डी इज पचमढ़ी सीरीज। तो दोस्तों राइट आंसर इज डी, पचमढ़ी सीरीज के नाम से भी जाना जाता है किसको, महादेव सीरीज को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मध्य प्रदेश अंडर द सतपुड़ा रेंज एन एक्सपांशन ऑफ महादेव सीरीज, किसकी बात कर रहे हैं हम, वही बात महादेव सीरीज ऑफ रॉक है जो किसका पार्ट है, अपर गोंडवाना सीरीज का पार्ट है। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, पचमढ़ी सीरीज, ऑल्सो नोन एज पचमढ़ी सीरीज। और पचमढ़ी को ही क्या बोला जाता है हमारे मध्य प्रदेश का, क्या बोला जाता है दोस्तों, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। और एक ये क्या है, टूरिस्ट प्लेस है और मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है, हिल स्टेशन है। क्या है दोस्तों, हिल स्टेशन है पचमढ़ी। तो वही बात करी है हमने यहां पर इस क्वेश्चन में। और ये कहां कहां पाई जाती है, सिवनी नरसिंहपुर एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है ये वाली सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट कोल इज ऑप्टेंड फ्रॉम विच सीरीज ऑफ रॉक ऑफ अपर गोंडवाना सिस्टम इन मध्य प्रदेश। तो लिग्नाइट कोल होता है वो किस जगह पाया जाता है और किस रॉक सिस्टम में मिलता है, ये क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे। तो ऑप्शन देखते हैं फिर, वही तालेचर सीरीज, महादेव सीरीज, जबलपुर सीरीज या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो हमारी जबलपुर सीरीज है उसमें क्या मिलता है हमारे यहाँ, लिग्नाइट कोल जो है वो वहां पर पाया जाता है। जबलपुर सीरीज ऑफ रॉक ऑफ अपर गोंडवाना सिस्टम इन मध्य प्रदेश प्रोवाइड लिग्नाइट कोल। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलता है हमारा लिग्नाइट जो कोल है वो कहाँ पर, अपर गोंडवाना सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है, द जबलपुर सीरीज इज वाइडली डेवलप्ड इन द सतपुड़ा एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटनी, जबलपुर एंड उमरिया इन मध्य प्रदेश। तो कहाँ कहाँ इसका एक्सटेंशन है, तो वो कहाँ है, कटनी, जबलपुर एंड उमरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एविडेंस ऑफ रॉक्स ऑफ विच इरा इज नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, मतलब कौन से इरा सिस्टम या कौन से रॉक सिस्टम के साक्ष्य हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं, एविडेंस की बात कर रहे हैं हम। तो वही बात करिए, ऑप्शन ए इज पुराना रॉक सिस्टम, सभी लोगों ने सुना है ये हमारे कहाँ है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद बात करें हम धारवाड़ रॉक सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, अभी हम पढ़ चुके। द्रविड़ियन रॉक सिस्टम एंड आर्यन रॉक सिस्टम, तो आर्यन रॉक सिस्टम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। तो बात करते हैं हम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, द्रविड़ियन रॉक सिस्टम हमारे मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम कौन कहाँ कहाँ आता है, वही कि द्रविड़ियन रॉक सिस्टम के एविडेंस कुछ नहीं मिलते हैं हमें हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या मिलता है, किस किस के मिलते हैं वो देख लेते हैं एक बार। जब हम धारवार रॉक सिस्टम की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या, चिल्पी सीरीज ऑफ बालाघाट अभी हमने देखा था यहाँ पर, उसके बाद सोसर सीरीज ऑफ छिंदवाड़ा, इट इज ऑल्सो इन धारवार रॉक सिस्टम, और बिजावर सीरीज ऑफ बुंदेलखंड, ये किस में आती है हमारे धारवार रॉक सिस्टम में आती है। वहीं बात करते हैं हम पुराना रॉक सिस्टम की, तो यहाँ पर भी क्या क्या आती है हमारी, बिजावर सीरीज ऑफ पन्ना, यहाँ पर हमने बात करी थी पूरे बुंदेलखंड की, यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं हम पन्ना की। उसके बाद ग्वालियर में जो सीरीज है, फिर कैमूर में है, फिर भांडेर रीवा और सीरीज, तो कैमूर भांडेर ऑल्सो पार्ट ऑफ विंध्यांचल माउंटेन रेंज का पार्ट है, कौन सा हमारा, कैमूर और भांडेर। और जो ग्वालियर सीरीज है वहां पर भी कौन सा पाया जाता है, हमारा पुराना रॉक सिस्टम। अब हम बात करते हैं आर्यन रॉक सिस्टम की, तो जो लार्ज कोल वैली है जो सतना और बघेलखंड और सिंगरौली, सीधी सिंगरौली वाले एरिया में, जो तो पूरा लार्ज कोल बेल्ट है वो कहाँ पाया जाता है हमारे यहाँ, आर्यन रॉक सिस्टम में पाया जाता है। क्लियर ये चीज दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्यूज, किसका पार्ट है हमारा मध्य प्रदेश, मतलब किस प्लेट्यू का पार्ट से हमारा मध्य प्रदेश इनमें से। दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं, ईस्टर्न प्लेट्यू, वेस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेट्यू या फिर सदर्न
प्लेट्यू। तो दोस्तों राइट आंसर इज सदर्न प्लेट्यू का पार्ट है हमारा मध्य प्रदेश, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो मध्य प्रदेश का पार्ट है वो कहाँ आता है, हमारे सदर्न प्लेट्यू में आ जाता है। इसी वजह से ये किसका पार्ट है, सदर्न प्लेट्यू का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मध्य प्रदेश द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, नो डाउट, बिल्कुल है, हमने पढ़ा है पहले वाले लेक्चरों में भी सेकेंड, जिसका एरिया कितना है 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका क्या रीजन है कि मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश बिलोंग टू द डेक्कन प्लेट्यू। किसका मोस्ट ऑफ द मध्य प्रदेश किसका पार्ट है, किससे बिलोंग करता है, डेक्कन प्लेट्यू। दैट्स वाई इट इज हाफ ऑफ द स्टेट कहाँ जाता है हमारा, सदर्न प्लेट्यू में आ जाता है। दैट्स वाई इट इज अ पार्ट ऑफ सदर्न प्लेट्यू। फिर हम देखो चीज देखते हैं कि बट इन द स्टेट हाई लो एल्टीट्यूड माउंटेन आर ऑल्सो फाउंड, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन और ऑल्सो फाउंड, जो कि किसका पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेट्यू का पार्ट है। तो पेनिनसुलर इंडिया की बात करें हम, तो पेनिनसुलर इंडिया में हमारा मध्य प्रदेश किस में आता है, नॉर्दर्न पार्ट में आता है, नॉर्दर्न प्लेट्यू में आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यही चीज बतानी थी। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी इन्हीं क्वेश्चन सीरीज को लेके, जिसमें हम नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे हम फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश की। तो वहाँ पर कितने फिजिकल डिवीजन हमारे मध्य प्रदेश में हैं, कितने पार्ट्स में ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश को बांटा गया है, यही चीज़ देखेंगे हमारे नेक्स्ट सीरीज में। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं आपके साथ में, धन्यवाद।